नमस्कार, मैं आशीष पाठक, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी DRDO की एक नई वैकेंसी आई है। एक तरह से बोला जाए तो बच्चे पीजी के दौरान काफ़ी डिमोरलाइज थे और जिसका टाइपिंग और स्टेनो एक फील्ड है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त ये वैकेंसी है। 1061 पद पर जो है आपकी वैकेंसी निकली है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेनो और टाइपिंग की वैकेंसी है। तो जो बच्चे को स्टेनो आती है और टाइपिंग आती है उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी DRDO लेकर आया है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी अहर्ता है, एज लिमिट क्या है, इसमें टाइपिंग और स्टेनो कितना मांगा गया है आपसे इसके टेस्ट में, और सिलेबस क्या है, और इसकी तैयारी आपकी हम कैसे करें, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, सभी के बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए डिटेल एक बार हम लोग देख लेते हैं कि DRDO सप्तम में क्या क्या इसके डिटेल है। तो सबसे पहले कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और क्लोजिंग डेट 1 महीने का पूरा दिया है, 7 दिसंबर में आपका हो जाएगा। एग्जाम डेट आपको बोला है कि आप वेबसाइट चेक करते रहो, हम जल्द ही अनाउंस करेंगे। और ये जान लो कि DRDO का एग्जाम जल्द हो जाता है, बाकियों की तरह नहीं है कि एक लंबा होता है, विद इन मतलब 3 महीने का तो आपको समय मिलेगा ही मिलेगा, 2.5 से 3 महीने आपको समय मिलेगा। पोस्ट जो है इसमें बहुत बेहतरीन है, जैसे JPO की जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, ठीक है, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इसमें से जो व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन वाली जो पोस्ट है, फायरमैन वाली और इसमें व्हीकल फायर इंजन ड्राइवर वाले, इसमें कुछ फिजिकल मांगे हैं तो वो बाकी सब में स्किल टेस्ट मांगा है, ठीक है। 2 टीयर में आपके एग्जाम होंगे, वो सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। 1061 पोस्ट है, काफी अच्छा खासा पोस्ट है। चलो देख लेते हैं एक बार कि लोग इसमें कितने पोस्ट हैं। जैसे अगर JPO की बात करें तो JPO में आपके 35 पोस्ट है और ये अच्छी वैकेंसी है, और ये सिर्फ मास्टर वालों के लिए भी है, तो वो भी इंग्लिश और हिंदी में जो मास्टर डिग्री किए होंगे। स्टेनो ग्रेड फर्स्ट, ये दोनों जो जॉब है वो आपके बी ग्रेड की जॉब है, ठीक है, बी ग्रेड की जॉब है, इनकी सैलरी अच्छी खासी वो डिस्कस किया जाएगा। ये 215 पोस्ट इसमें है। ग्रेड 2 में जो स्टेनो की है वो सी ग्रेड की, अब यहाँ से सभी सी ग्रेड के जॉब है, तो यहाँ पर 123 पोस्ट है। अब देखो दोनों स्टेनो है इंग्लिश वाले ही हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग 250 पोस्ट है। देखो इंग्लिश टाइपिंग आती है और सबको टाइपिंग जब सीखते हो तो इंग्लिश दोनों सीखते हो, एक तो सीखते नहीं हो तो इंग्लिश की है। हिंदी टाइपिस्ट वालों के लिए 12 पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग के लिए 134 है और हिंदी टाइपिंग के लिए 4 पोस्ट। सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात किया जाए तो 41 पोस्ट, व्हीकल ऑपरेटर 135, फायर इंजन ड्राइवर 18 और फायरमैन 86 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं और क्या क्या मांगा है और क्या एज लिमिट है, इन सबको देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि JPO की जो सैलरी है देखो वो 34,500 से, मतलब ये बेसिक तो आपको रहेगा, इस पे आपको क्या मिलेगा, जो अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेंगे, और यहाँ पर 1,12,400 आपके यहाँ तक ये वेरी करेगा, ये पे स्केल है इसका। 301 इसका कोड है और JPO में मास्टर डिग्री इन इंग्लिश या हिंदी, मास्टर डिग्री आपको या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो, विद हिंदी या इंग्लिश कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब कहने का मतलब कि ये आपका इंग्लिश या हिंदी में आपका मास्टर डिग्री हो, उसके साथ ही साथ हिंदी, अगर आपने इंग्लिश से मास्टर किया है तो हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर, ठीक है, और अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी में किया है तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, अगर आपका मीडियम हिंदी है मास्टर डिग्री का, ठीक है, तो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश एज ए कंपल्सरी डिग्री लेवल पे, तो वो सब आपको डिटेल में नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन ये मास्टर डिग्री वालों के लिए, उसको एक बार आप देख लीजिए। जो स्टेनो ग्रेड 1 है उसकी भी सैलरी यही बनेगी जो JPO की बनेगी, ठीक है। तो स्टेनो ग्रेड 1 में क्या है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, ठीक है, उसके बाद से डिक्टेशन जो यहाँ पर इंग्लिश का दिया जाएगा, जो बोला जाएगा और आपको स्टेनो में लिखना है वो 100 वर्ड पर मिनट लिखना है, और जो उसका ट्रांसलेशन करना होता है फिर आपको कंप्यूटर में लिख के कि जो क्या आपने लिखा है, उसके लिए 40 मिनट मिलेगा इंग्लिश में, आपको पूरा ट्रांसलेशन करके देना है जो आप स्टेनो लिखे रहोगे, ठीक। तो ये बी ग्रेड वाली जॉब हो गई। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सी ग्रेड वाली जॉब है, ग्रेड सी की, और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 साल, मैक्सिमम 30 साल है, नॉट एक्सीडिंग, 30 साल से ज्यादा नहीं होगा।
और यहाँ पे दसवीं जो सीमा दी है वो 18 से 27 तक। अब इसमें एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट कोड में जो मैक्सिमम लोग भर सकते मैंने वही पोस्ट यहाँ पे दिया है, बाकी नोटिफिकेशन में है आपका, ठीक है। क्योंकि जो ड्राइवर हो गया और फायरमैन इंजन हो गया, जो है ड्राइवर हो गया और फायरमैन होंगे, इनके लिए थोड़ी अलग से अर्हता चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं, वो नोटिफिकेशन में मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे स्टेनोग्रेड जो दो है इसकी जो सैलरी है 25,500 से 81,100 तक, ये पे स्केल इसकी वैरी करेगी। इसमें आपको सिर्फ जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, 12th के इक्विवेलेंट जो भी होती है वो आपका होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होगा। इसमें जो डिक्टेशन होगा वो 10 मिनट का समय होगा और 80 वर्ड पर मिनट में आपको डिक्टेशन लिखना है इंग्लिश स्टेनो, ठीक है। 50 मिनट आपको ट्रांसलेशन का समय दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एज 18 से 27 है। एडमिन असिस्टेंट जो है ए एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। इसमें भी 12 क्वालिफिकेशन माना है और उसके इक्विवेलेंट इंग्लिश की टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। की डिप्रेशन 10,500 होगा, 5 की डिप्रेशन को 1 वर्ड माना जाएगा, साथ साथ यहाँ पर लिख दिया। तो इतना तो आप लोगों को इंग्लिश में आती ही टाइपिंग स्किल, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ। 602 जो है पोस्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, अभी इंग्लिश देखे तो हिंदी, क्योंकि डीआरडीओ में बहुत हिंदी का काम नहीं होता है, जान ही रहे हो कि साइंटिफिक काम है तो यहाँ इंग्लिश की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तभी भी 4 पोस्ट आपके यहाँ पे, जो मैंने बताया कब 12 पोस्ट थी तो वो कम ही निकाली गई है। तो यहाँ पे 12 पास मांगा है, 30 वर्ड पर मिनट मांगा है आपसे हिंदी टाइपिंग, 9,000 की डिप्रेशन मांगा है और 5 की को 1 वर्ड आपको यहाँ पर माना जाएगा, वही बोला है। उसके बाद से हम स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग, इसमें भी अच्छे खासे पोस्ट है जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था 250 यहाँ पे और यहाँ पे आपको 123 पोस्ट है, तो वो सब चीजें हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइपिंग वाली है तो यहाँ पर भी 12th पास है, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है, सेम एज इट इज। आपका जो यहाँ पे जाओगे असिस्टेंट वाला वही है, स्टोर असिस्टेंट का जो स्किल टेस्ट है वही एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट का भी है। हिंदी में भी सेम चीजें हैं, 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, 12th पास होना चाहिए। अब सिक्योरिटी असिस्टेंट में आ जाओगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में क्या है, 12th पास या इक्विवेलेंट या कोई एक्स सर्विस मैन है, कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए 12th के इक्विवेलेंट, जैसे 10th में बाद ही कुछ लोग मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से जब रिटायर होते हैं तो उनके लिए बोला गया है कि अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा 12th के इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेशन है वो भी मान किया जाएगा। यहां पर इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ये जो मैं पूरे आपको नोटिफिकेशन में दिखा दे रहा हूं कि क्या है आपका बेसिकली जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान दे दो। बाकी वैसे मेन मेन पोस्ट मैंने आपको बता दिया कि किसमें क्या क्या जरूरी थी, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन को देख लें। तो वही यहाँ सब मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पे अब आओगे देखो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला भी मैंने बता दिया 18 से 27। व्हीकल ऑपरेटर, ठीक है, व्हीकल ऑपरेटर में 10th पास चाहिए, इसमें सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 2 या 3 व्हील्स का, लाइट एंड हैवी व्हीकल का, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर कार, एटलीस्ट 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें भी आपका 27 साल से ज्यादा नहीं एज होना चाहिए। इसके बाद से कार इंजन ड्राइवर में भी 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, इसमें भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ 2 और 3 व्हीलर एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन आपका होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, क्योंकि जो सेकेंड टायर होगा। उसके बाद से आपका फायरमैन है तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, स्टैंडर्ड पास अंडर 10+ स्कूल सिस्टम ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर 10+2 आपका होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस आपका यहाँ देखा जाएगा 18 से 27 और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सब ग्रुप सी, यहाँ पे आपको वैकेंसी का आप देख लेना की आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलेगी, जो भी जैसे जूनियर है तो A2 B1 B2 C2 दिया गया है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि A1 का मतलब आगरा, A2 का मतलब अहमदनगर, उसके बाद B1 मतलब बालासोर, तो ये सब जगह आपकी पोस्टिंग है किस किस स्टेशन पर होगी। बाकी जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, तो वो सब आपका होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है आपका जो रिजर्वेशन है वो सब फॉर्मेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, साफ साफ लिखा गया है कम्युनिटी एंड सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, वही आपका चलेगा। तो वो एप्लीकेशन है, ये नोटिफिकेशन एक बार आप अच्छे से देख लेना, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जितना भी सेंट्रल का रिलैक्सेशन मिलता है वही चीजें आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो उसको नोटिफिकेशन, और सबसे बड़ी बात अगर फॉर्म स्टार्ट होगा तो बहुत जल्दी फॉर्म भरना स्टार्ट करना, क्योंकि एग्जामिनेशन सिटी जो है आपकी ये इतनी सिटी है, ठीक है, यहाँ पर यूपी में भी कुछ सिटी है और अलग अलग स्टेट में भी सिटी है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जो भी आपका सिटी होगा
कैंडिडेट एडवाइज चूज एनी थ्री डिफरेंट सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट प्रायोरिटी टायर वन एग्जामिनेशन. द ऑप्शन प्रेफरेंस वंस अगेन बाय द कैंडिडेट विल ट्रीटेड एज अ फाइनल एंड इरिवर्सिबल रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी सेंटर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो इसको आपको ध्यान देना है कि ये आपके पास सिटी है इतने, इसको जितना जल्दी भरोगे तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले पे आपको जो है सिटी मिले. ठीक, तो इस हिसाब से है कि जल्दी से जल्दी आप लोग भर दीजिएगा फॉर्म ताकि आपको जो आप जहां पे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सिटी मिल जाए, फिर बाद में दिक्कत ना हो आपको. उसके बाद से यहां पे देखिए टायर टू जो है, टायर टू एग्जाम टायर वन होने के बाद टायर टू एग्जाम होगा. तो टायर टू में अलग अलग है, स्किल टेस्ट है जो जिसमें स्किल लगेगा, फिजिकल फिटनेस है, कैपेबिलिटी टेस्ट है. तो ये सब चीजें हैं. तो फिजिकल फिटनेस जिस जिस पोस्ट में है, जैसे 801, 1001 और 1101, 801 जो पोस्ट है आपकी, यहां मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, 801 जो है सिक्योरिटी वाले के लिए और 1101 जो है फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, इन तीनों पोस्ट के लिए आपका फिजिकल होगा, बाकी के लिए फिजिकल नहीं होगा. ठीक है, तीन के लिए सिर्फ फिजिकल होगा. हाइट आपकी 165 होना चाहिए मेल के लिए और यहां पर फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका. ठीक है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर बिना फूले होना चाहिए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर वो हर जगह आपसे मांगता है, मेल में ही चाहिए, फीमेल में कोई नहीं चाहिए. ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मांगा है. वेट जो होगा वो मेल कैंडिडेट का मिनिमम 50 kg होना चाहिए और महिलाओं का 45 kg होना चाहिए. ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं होनी चाहिए, फिजिकल डिफॉर्मिटी, बोल एक्स, नोक नी की प्रॉब्लम नहीं हो, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम ना हो, जहां मेडिकल जैसे बाकियों में मेडिकल में होता है. ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसको, जो आपके हिली एरिया के मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट होंगे. ठीक है, उसके बाद से मेडिकल स्टैंडर्ड आपका टेस्ट होगा, सबका होगा. मेडिकल में 6x6 आपका डिस्टेंट होना चाहिए, न्यू विजन जो है आपका नॉर्मल होना विजन है वो नॉर्मल बट विद करेक्शन ऑफ पर्सन अबाउट 40 के ऊपर जो है उनका करेक्शन लिया जाएगा, 40 के नीचे वालों का करेक्शन नहीं लिया जाएगा. इच आई मस्ट है फुल फील ऑफ विजन, जो है आपका आंख जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो आंख में, कोई भी कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा. फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में आ जाओ तो ये आपको सिर्फ 3 पोस्ट के लिए होने वाला है. ये टेस्ट जो है रनिंग डिस्टेंस ऑफ 1600 मीटर 7 मिनट में आपको करना है. ठीक है, उसके बाद से कैरी ए वेट ऑफ 63.5 केजी टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकंड. ठीक है, 183 मीटर आपको 96 सेकंड में इतना केजी लेकर चलना है, कर ले जाओगे, बहुत ज्यादा नहीं है. 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग है, ये कुछ नया हो गया, वर्टिकली आपको रोप मतलब रस्सी से चढ़ना है, ये 3 मीटर का. 20 सिटअप्स है. क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग मतलब लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर का. तो ये सब चीजें दिया गया है, 3 चांस दिया जाएगा आपको इसका. फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा कम कर दिया, 800 मीटर है और 63.5 kg 96 सेकंड में, वही सेम चीजें हैं, 2.5 मीटर वही भी है, 15 सिटअप करना है, सिटअप कम कर दिया गया है. लॉन्ग जंप जो है आपका 2 मीटर का कर दिया गया है. ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहां पे आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 टीयर में एग्जाम होगा. टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो रिटन बेस्ड होगा और टीयर 2 जो होगा वो आपका जिसके में स्किल मांगा है तो स्किल होगा, जिसके में फिजिकल मांगा है वो फिजिकल होगा. ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग कि जो एग्जाम है आपका वो कौन कौन से किसमें होगा. जैसे सीबीटी मॉडल है वो आपका 301 जो है, 301 ये जेटीओ वाला पोस्ट है, जेटीओ वाला जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर वाले में 40 क्वेश्चन हिंदी होगा, 40 क्वेश्चन इंग्लिश होगा, ये ध्यान रखिएगा. और इसी पोस्ट के लिए आपका यहां पर डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो 300 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो दिया वो जेटीओ के लिए होगा, ट्रांसलेशन और ऐसे आएगा, आपको इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा और ऐसे लिखने के लिए रहेगा. तो ये आपको जेटीओ में 2 टायर होगा. पहले टायर में आपको ये एमसीक्यू मोड में होगा, 80 क्वेश्चन होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा. और दूसरा जब क्वालिफाई कर लोगे इसको तो यहां पे टायर 2 में आपको ट्रांसलेशन और ऐसे का पेपर होगा. उसके बाद से जो अदर पोस्ट है 401 501 601 602 701, ठीक है, इन सभी पोस्ट के लिए जितने भी हैं इसको जेटीयू को छोड़कर सभी के लिए 75 क्वेश्चन होंगे. 75 क्वेश्चन में आपके मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश, मतलब बेसिक जो आपके क्या पढ़ना है सिलेबस वही जो जनरली हर एग्जाम में होता है, मैथ में, रीजनिंग में और जीए में और इंग्लिश में. तो जनरल आपको 75 क्वेश्चन 1 घंटे में, कम क्वेश्चन है, समय आपके पास ज्यादा है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. और सीबीटी बोला है मतलब ऑनलाइन एग्जाम इसका होगा. उसके बाद से आपका बोला है कि यहाँ पे आपको पहले जो सीबीटी होगा उसमें 40% मार्क्स आपको ले आना है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और 35% उसके बाद से, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग है.
ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी जितने लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है चलो, तो बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लेना, सब कुछ डिटेल दिया गया है यहां पर, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, टीम आपके साथ है, टीम आप लोगों के लिए इस जो वैकेंसी है पूरा 1061 पोस्ट के लिए, इसके लिए आपको जेटीओ को छोड़ के अगर हम बात करें तो उसमें आपको टीम जो है पूरा का पूरा हेल्प करेगी। जितना भी आपका जो 75 क्वेश्चन है वो आपको कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ जो आपके स्किल टेस्ट हैं उसके भी प्रॉपर गाइडेंस, जो स्टेनो वाले बच्चे हैं कि कैसे आपको स्टेनो करना है, इंग्लिश वाले क्या क्या ध्यान रखना है स्टेनो करते समय, वो सब पूरा एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा यहाँ पर। तो टीम इसके लिए आपको एक बैच लेकर आई है जो अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है। इस बैच की जो प्राइस है वो 999 है और अभी ऑफर में ये आपको 499 में दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा कवरेज रहेगा, प्रॉपर गाइडेंस, पूरा का पूरा आपका टेस्ट सीरीज। देखो इसमें आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, ठीक है, वीडियो कोर्स मिलेगा आपको, पूरा वीडियो मिलेगा सभी सब्जेक्ट के जितने भी हैं। ठीक, उसके बाद से आपके सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी दिया जाएगा इसमें। तो ये सब चीजें आपको, और एक गाइडेंस की जो जरूरत होती है सभी को, और वो चाहे स्किल टेस्ट हो चाहे आपका रिटन टेस्ट हो, सभी के लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा। तो इसका जो बोला जाए कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, आप जो भी लोग इच्छुक हैं इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है आपके, अगर जो बोल रहे हो कि सर आज ऐसा हो रहा है कि पीटी के चलते हमारा पूरा का पूरा जूनियर असिस्टेंट आया, आपको मौका नहीं मिला, उसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हो 1400 सिर्फ पोस्ट है और उसमें भी हाई परसेंटाइल जाएगी। टाइपिंग वाले बच्चे वहां पर भी काफी इंतजार कर रहे थे कि लंबा अच्छा खासा जो है आपका वैकेंसी आएगा, तो सबको मौका कहीं ना कहीं 60 के ऊपर या 55 के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन आयोग ने ऐसा कर दिया कि पूरा पीईटी को ही चौपट कर दिया। तो अभी तो हम लोग उस पे लगे हैं कि भाई चलो पीईटी के लिए कुछ किया जाए सब लोग मिलकर, तो वो जरूर है, लेकिन आपके सामने एक अच्छा मौका है। टाइपिंग वाले जितने भी बच्चे हैं, स्टेनो वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका आया है। तो उसके लिए आप अगर जुड़ना चाहते हो, आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, वहां से आप इस बैच में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको तो आप इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप पूछ सकते हो इस बैच के डिटेल के बारे में, चाहे और कुछ भी। ठीक है, अगर इसके अलावा और इस वैकेंसी के बारे में कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।